ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, ये भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस की पवित्र पुस्तक वचनामृत का 20वां वीडियो है। इस वीडियो को हम शुरू करते हैं परिच्छेद 52 दक्षिणेश्वर मंदिर में भक्तों के साथ, भाग एक, सच्ची चालाकी कौन सी है। श्री राम कृष्ण काली मंदिर वाले अपने कमरे में प्रसन्नता पूर्वक बैठे हुए भक्तों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। आपका भोजन हो चुका है, दिन के 1 या 2 बजे होंगे। आज रविवार है, 9 सितंबर 1883 भादों की शुक्ला सप्तमी। कमरे में राखाल मास्टर और रतन बैठे हुए हैं। रामलाल राम चटर्जी और हाजरा भी एक एक करके आते और आसन ग्रहण करते हैं। रतन यदु मलिक के बगीचे की देखभाल करते हैं। वे श्री राम कृष्ण की भक्ति करते हैं तथा कभी कभी उनके दर्शन कर जाया करते हैं। श्री राम कृष्ण उन्हीं से बातचीत कर रहे हैं। रतन कह रहे हैं, यदु मलिक के कलकत्ता वाले मकान में नीलकंठ का नाटक होगा। रतन, आपको जाना होगा, उन लोगों ने कहला भेजा है, अमुक दिन नाटक होगा। श्री राम कृष्ण, अच्छा है, मेरी भी जाने की इच्छा है। आह, नीलकंठ कैसे भक्ति पूर्वक गाता है। एक भक्त, जी हाँ। श्री राम कृष्ण, गाना गाते हुए वह आंसुओं से तर हो जाता है। रतन से, सोचता हूँ रात को वहीं रह जाऊं। रतन, अच्छा तो है। राम चटर्जी आदि ने खड़ाऊं की चोरी वाली बात पूछी। रतन, यदु बापू के ग्रह देवता की सोने की खड़ाऊं चोरी गई है, इसके कारण घर में बड़ा हल्ला मचा हुआ है। थाली चलाई जाएगी, सब बैठे रहेंगे, जिसने लिया है उसकी ओर थाली चली जाएगी। श्री राम कृष्ण हंसते हुए, किस तरह थाली चलती है, अपने आप चलती है, यह एक तरह का टोना है। रतन, नहीं, हाथ से दबाई हुई रहती है। भक्त, हाथ ही की कोई कारीगरी होगी, हाथ की चालाकी। श्री राम कृष्ण हंसते हुए, जिस चालाकी से लोग ईश्वर को पाते हैं वही चालाकी चालाकी है। सा चातुरी चातुरी। भाग दो, तांत्रिक साधना और श्री राम कृष्ण का संतान भाव। बातचीत हो रही है, इसी समय कुछ बंगाली सज्जन कमरे में आए और श्री राम कृष्ण को प्रणाम करके उन्होंने आसन ग्रहण किया। उनमें एक व्यक्ति श्री राम कृष्ण के पहले के परिचित हैं। ये लोग तंत्र के मत से साधना करते हैं, पंच मकार साधना। श्री राम कृष्ण अंतर्यामी है, उनका संपूर्ण भाव समझ गए। उनमें एक आदमी धर्म के नाम से पापाचरण भी करता है, यह बात श्री राम कृष्ण सुन चुके हैं। उसने किसी बड़े आदमी के भाई की विधवा के साथ अवैध प्रेम कर लिया है
और धर्म का नाम लेकर उसके साथ पंच मकार की साधना करता है। यह भी श्री राम कृष्ण सुन चुके हैं। श्री राम कृष्ण का संतान भाव है, वे हरेक नारी को माता समझते हैं, वैश्या को भी, और स्त्रियों को भगवती का एक एक रूप समझते हैं। श्री राम कृष्ण से हास्य, अचलानंद कहाँ है? उस दिन काली किंकर आया था और एक जन था मास्टर आदि से अचलानंद और उसके शिष्यों का और ही भाव है, मेरा संतान भाव है। आए हुए बाबू लोग चुपचाप बैठे हुए हैं, कुछ बोलते नहीं। श्री राम कृष्ण, मेरा संतान भाव है, अचलानंद यहाँ आकर कभी कभी रहता था, खूब शराब पीता था, मेरा संतान भाव है। यह सुनकर अंत में उसने हठ पकड़ा, कहने लगा, स्त्री को लेकर वीर भाव की साधना तुम क्यों नहीं मानोगे? शिव की रेख भी नहीं मानोगे? स्वयं शिव जी ने तंत्र लिखा है, उसमें सब भावों की साधना है, वीर भाव की भी है। मैंने कहा, मैं क्या जानूं जी, मुझे वह सब अच्छा नहीं लगता, मेरा संतान भाव है। आगंतुक सज्जन चुप हैं, कुछ बात निकल ही है। अचलानंद अपने बच्चे की खबर नहीं लेता था, मुझसे कहता था बच्चों को ईश्वर देखेंगे, यह सब ईश्वर की इच्छा है। मैं सुनकर चुप हो जाता था। बात यह है कि लड़कों की देखरेख कौन करे? लड़के वाले घर द्वार सब छोड़ दिया, यह कहीं रुपए कमाने का साधन न बन बैठे, क्योंकि लोग सोचेंगे इसने तो सब कुछ त्याग कर दिया है और इस तरह बहुत सा धन देने लगेंगे। मुकदमा जीतूंगा, खूब धन होगा, मुकदमा जिता दूंगा, जायदाद दिला दूंगा, क्या इसीलिए साधना है? ये सब बड़ी ही नीच प्रकृति की बातें हैं। रुपए से भोजन पान होता है, रहने की जगह होती है, देवताओं की सेवा होती है, साधुओं का सत्कार होता है, सामने कोई गरीब आ गया तो उसका उपकार हो जाता है, ये सब रुपए के सदुपयोग हैं। रुपए ऐश्वर्य का भोग करने के लिए नहीं है, न देश सुख के लिए है, न लोक सम्मान के लिए, विभूतियों के लिए। लोग तंत्र के मत से पंच मकार की साधना करते हैं, परंतु उनकी बुद्धि कितनी हीन है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, भाई अष्ट सिद्धियों में किसी एक के रहने पर तुम्हारी शक्ति तो थोड़ी बढ़ सकती है, परंतु तुम मुझे न पाओगे। विभूति के रहते माया दूर नहीं होती, माया से फिर अहंकार होता है। किसी ही कैसी हीन बुद्धि है, घृणास्पद स्थान से तीन घुट कारणवारी श्राप पीकर लाभ क्या हुआ? मुकदमा जीतना। श्री राम कृष्ण तथा हठ योग, शरीर रुपया यह सब अनित्य है, इसके लिए इतना हठ क्यों? हठ योगों की दशा देखो ने, शरीर किसी तरह दीर्घायु हो बस इसी ओर ध्यान लगा रहता है, ईश्वर की ओर लक्ष्य नहीं है। नेती धोती बस पेट साफ कर रहे हैं, नल लगाकर दूध ग्रहण कर रहे हैं। एक सुनार था, उसकी जीभ उलटकर तालू पर चढ़ गई थी, तब जड़ समाधि की तरह उसकी अवस्था हो गई, फिर वह हिलता डुलता न था, बहुत दिनों तक उसी अवस्था में रहा। लोग आकर उसकी पूजा करते थे, कुछ साल बाद एकाएक उसकी जीभ सीधी हो गई, तब उसे पहले की तरह चेतना हो गई,
फिर वही सुनार का काम करने लगा। सब हंसते हैं, वे सब शरीर के कर्म हैं, उसे प्राय ईश्वर के साथ कोई संबंध नहीं रहता। शालग्राम का भाई, उसका लड़का वंशलोचन का व्यवसाय करता था, 82 तरह के आसन जानता था। वह योग समाधि की भी बहुत सी बातें करता था, परंतु भीतर ही भीतर उसका कामिनी कांचन में मन था। दीवान मदन भट्ट की कुछ 1000 रुपयों की एक नोट पड़ी थी। रुपयों की लालच से वह उसे झट निकल गया। बाद में फिर किसी तरह निकाल लेता, परंतु नोट उसे वसूल हो गई। अंत में 3 साल के लिए वह जेल भेजा गया। मैं सरल भाव से सोचता था, शायद उसकी आध्यात्मिक उन्नति बहुत हो चुकी है। सच कहता हूँ, राम दुहाई। श्री राम कृष्ण तथा कामिनी कांचन। यहाँ सीती के महेंद्रपाल 5 रुपये दे गया था रामलाल के पास। उसके चले जाने के बाद रामलाल ने मुझसे कहा, मैंने पूछा क्यों दिया। रामलाल ने कहा, यहाँ के खर्च के लिए दिया है। तब याद आया, दूध वाले को कुछ देना है, होने हो इन्हीं रुपयों से कुछ दे दिया जाए। परंतु यह क्या आश्चर्य, मैं रात को सोया हुआ था, एकाएक उठ पड़ा, छाती के भीतर मानो कोई बिल्ली की तरह खरोंचने लगा। तब रामलाल के पास जाकर मैंने कहा, किसे दिया है, तेरी चाची को। रामलाल ने कहा, नहीं, आपके लिए। तब मैंने कहा, नहीं, रुपए जाकर अभी वापस दिया, नहीं तो मुझे शांति न होगी। रामलाल सुबह को उठकर जब रुपए वापस दे आया, तब तबीयत ठीक हुई। उस देश की भगवतियां तेलिन करता भजा दल की हैं। वे सब औरत लेकर साधना किया करते हैं। एक पुरुष के हुए बिना स्त्री की साधना होगी ही नहीं। उस पुरुष को राग कृष्ण कहते हैं। 3 बार स्त्री से पूछा, तूने कृष्ण को पाया। वह स्त्री 3 बार कहती है, पाया। भगवतिया शूद्र है, तेलीन है, परंतु सब उसके पास जाकर उसके पैरों की धूल लेते थे, उसे नमस्कार करते थे। तब जमींदार को इस पर बड़ा क्रोध आ गया। मैंने उसे देखा है, जमींदार ने उसके पास एक बदमाश भेज दिया, उससे वह फंस गई और उसके गर्भ रहा। एक दिन एक बड़ा आदमी आया था, मुझसे कहा, महाराज, इस मुकदमे में ऐसा कर दीजिए कि मैं जीत जाऊं, आपका नाम सुनकर आया हूं। मैंने कहा, भाई, वह मैं नहीं हूं, तुम्हारी भूल हुई, वह अचलानंद है। ईश्वर पर जिसकी सच्ची भक्ति है, वह शरीर रुपया आदि की थोड़ी भी परवाह नहीं करता। वह सोचता है, देश के लिए, लोक सम्मान के लिए, रुपयों के लिए क्या जप और तप करूं, ये सब अनित्य हैं, 4 दिन के लिए हैं। आए हुए सब बाबू लोग उठे, उन्होंने नमस्कार करके कहा, तो हम चलें। वे चले गए। श्री राम कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं और मास्टर से कह रहे हैं, चोर धर्म की बात नहीं सुनते, सब हंसते हैं। भाग 4, विश्वास चाहिए। श्री राम कृष्ण मणि से हंसे, अच्छा नरेंद्र कैसा है। मणि जी, बहुत अच्छा है। श्री राम कृष्ण, देखो, उसकी जैसी विद्या है वैसी ही बुद्धि भी है, और गाना बजाना भी जानता है। इधर जितेंद्रिय भी है,
कहता है, विवाह न करूंगा। मणि, आपने कहा है जो पाप पाप सोचता रहता है वह पापी हो जाता है, फिर वह उठ नहीं सकता। मैं ईश्वर की संतान हूँ, यह विश्वास यदि हुआ तो बहुत शीघ्रता से उन्नति होती है। श्री राम कृष्ण, हाँ विश्वास चाहिए। कृष्ण किशोर का कैसा विश्वास है, कहता था मैं एक बार उनका नाम ले चुका, अब मुझ में पाप कहाँ रह गया, मैं शुद्ध और निर्मल हो गया हूँ। हलधारी ने कहा था, अजामिल फिर नारायण की तपस्या करने गया था, तपस्या न करने पर क्या उनकी कृपा होती है, केवल एक बार नारायण कहने से क्या होगा। यह बात सुनकर कृष्ण किशोर को इतना क्रोध आया कि बगीचे में फूल तोड़ने आया था, उसने हलधारी की ओर फिर एक दृष्टि भी नहीं फेरी। हलधारी का बाप बड़ा भगत था, स्नान करते हुए कमर भर पानी में जब वह मंत्र पढ़ता था, रक्त वर्णम चतुर्मुखम आदि कहते हुए ध्यान करता था, तब उसकी आंखों से अनर्गल प्रेमाश्रु चलते थे। एक दिन अरिंदा के घाट पर एक साधु आया, बात हुई हम लोग भी देखने जाएंगे। हलधारी ने कहा, उस पंचभूतों के गिलाप को देखकर क्या होगा। इसके बाद कृष्ण किशोर ने यह बात सुनकर कहा था, क्या साधु के दर्शन से क्या होगा, ऐसी बात भी उसके मुंह से निकली। जो लोग कृष्ण का नाम लेते हैं या राम नाम का जप करते हैं उनकी देह चिन्मय होती है और वे सब चिन्मय देखते हैं, चिन्मय श्याम चिन्मय धाम। उसने कहा था, एक बार कृष्ण या राम का नाम लेने पर 100 बार के संध्या करने का फल होता है। जब उसके एक लड़के की मृत्यु होने लगे तब मरते समय राम का नाम लेकर उसने देह छोड़ी थी। कृष्ण किशोर कहता था, उसने राम का नाम लिया है, उसे अब क्या चिंता है, परंतु कभी कभी रो पड़ता था पुत्र का शोक। वृंदावन में उसे प्यास लगी थी, मोची से उसने कहा, तू शिव का नाम ले। उसने शिव का नाम लेकर पानी भर दिया। उस तरह का आचारी ब्राह्मण होकर भी उसने वह पानी पी लिया, कितना बड़ा विश्वास है। विश्वास नहीं है और पूजा जप संध्यादि कर्म करता है, इससे कुछ नहीं होगा, क्यों जी? मास्टर, जी हाँ। श्री राम कृष्ण सहस्य गंगा के घाट में नहाने के लिए लोग आते हैं, मैंने देखा है, उस समय दुनिया भर की बातें करते हैं। किसी की विधवा बुआ कह रही है, बहू मेरे बिना रहे दुर्गा पूजा नहीं होती, मैं न रहूं तो श्री मूर्ति भी सुडोल न हो, घर में शादी ब्याह कुछ बात हो सब काम मुझे ही करना पड़ता है, नहीं तो अधूरा रह जाएगा। फूल सैया का बंदोबस्त, कत्थे के बगीचे की तैयारी सब मैं ही करता हूँ। मणि जी, इनका भी क्या दोष, क्या लेकर रहे। श्री राम कृष्ण से हास्य, छत पर ठाकुर के लिए घर बनाया है, नारायण की पूजा हो रही है, पूजा का निवेद चंदन यह सब तैयार किया जा रहा है, परंतु ईश्वर की बात कहीं एक भी नहीं होती। क्या पकाना चाहिए, आज बाजार में कोई अच्छी चीज नहीं मिली, कल अमुक व्यंजन अच्छा बना था, वह लड़का मेरा चचेरा भाई है,
क्यों रे, तेरी वह नौकरी है ना, और मैं अब कैसी हूँ, मेरा हरी चल बसा, बस यही सब बातें होती हैं। देखो भला ठाकुर जी की पूजा के इसमें ये सब दुनिया भर की बातें। मणि जी अधिक संख्या ऐसे ही लोगों की है, आप जैसा कहते हैं ईश्वर पर जिसका अनुराग है उसे अधिक दिनों तक पूजा और संध्या थोड़े ही करनी पड़ती है। भाग तीन, चिन्मय रूप ज्ञान और विज्ञान ईश्वर ही वस्तु है। श्री राम कृष्ण एकांत में मणि के साथ बातचीत कर रहे हैं। मणि अच्छा वही अगर सब कुछ हुए हैं तो इस तरह के अनेक भाव क्यों दिख पड़ते हैं। श्री राम कृष्ण विभू के स्वरूप से वे सर्वभूतों में हैं, परंतु शक्ति की विशेषता है, कहीं तो उनकी विद्या शक्ति है और कहीं अविद्या शक्ति, कहीं ज्यादा शक्ति है और कहीं कम। देखो ने आदमी के भीतर ठग चोर भी हैं और बाघ जैसे भयानक प्रकृति वाले भी हैं। मैं कहता हूँ ठग नारायण है, बाघ नारायण है। मणि सहस्य जी उन्हें तो दूर ही से नमस्कार करना चाहिए। बाघ नारायण के पास जाकर अगर कोई उन्हें भर बाह भेटने लगे तब तो वह उसे कलेवा ही कर जाएं। श्री राम कृष्ण वे और उनकी शक्ति ब्रह्म और शक्ति इसके सिवाय और कुछ नहीं है। नारद ने रामचंद्र जी से सत्व करते हुए कहा, हे राम तुम ही शिव हो, सीता भगवती हैं, तुम ब्रह्मा हो, सीता ब्राह्मणी ब्रह्माणी हैं, तुम इंद्र हो, सीता इंद्राणी हैं, तुम नारायण हो, सीता लक्ष्मी, पुरुषवाचक जो कुछ है सब तुम्ही हो, स्त्रीवाचक जो कुछ है वह सब सीता। मणि और चिन्मय रूप। श्री राम कृष्ण कुछ देर बाद विचार करने लगे, फिर धीमे स्वर में कहा, वह किस तरह है बताऊं, जैसे पानी का। ये सब बातें साधना करने पर समझ में आती हैं। रूप पर विश्वास करना, जब ब्रह्म ज्ञान होता है अभेदता तब होती है। ब्रह्म और शक्ति अभेद हैं, जैसे अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति। अग्नि को सोचने पर साथ ही उसकी दाहिका शक्ति को भी सोचना पड़ता है, और दाहिका शक्ति को सोचने पर अग्नि को भी सोचना पड़ता है। जैसे दूध और दूध की धवलता, जल और उसकी हिम शक्ति। परंतु ब्रह्म ज्ञान के बाद भी अवस्था है, ज्ञान के बाद विज्ञान है। जिसे ज्ञान है, जिसे बोध हो गया, उसमें अज्ञान भी है। सत पुत्रों के शोक से वशिष्ठ को भी रोना पड़ा था। लक्ष्मण के पूछने पर राम ने कहा, भाई ज्ञान और अज्ञान के पार जाओ, जिसे ज्ञान है उसे अज्ञान भी है। पैर में अगर कांटा चुभ जाए तो एक दूसरा कांटा लेकर वह निकाल दिया जाता है, फिर उसके साथ दूसरा कांटा भी फेंक दिया जाता है। मणि, क्या अज्ञान और ज्ञान दोनों फेंक दिए जाते हैं? श्री राम कृष्ण, हाँ, इसीलिए विज्ञान की आवश्यकता है। देखो ने, जिसे उजाले का ज्ञान है उसे अंधेरे का भी है, जिसे सुख का बोध है उसे दुख का भी है, जिसे पुण्य का विचार है उसे पाप का भी है, जिसे भले का समूह है उसे बुरे का भी है, जिसे सुचिता का अनुभव है उसे असुचिता का भी है, जिसे अहम का ध्यान है
उसे तुम का भी है। विज्ञान अर्थात उन्हें विशेष रूप से जानना। लकड़ी में आग है, इस बोध इस विश्वास का नाम ज्ञान। और उस आग से खाना पकाना, खाना खाकर हृष्ट पुष्ट होना, इसका नाम विज्ञान ईश्वर है। हृदय में यह बोध होना, इसका नाम है ज्ञान। और उनके साथ वार्तालाप, उन्हें लेकर आनंद करना, चाहे जिस भाव से हो, दास्य या सखे या वात्सल्य या मधुर से, इसका नाम है विज्ञान। जीव और यह प्रपंच वे ही हुए हैं, इसके दर्शन करने का नाम है विज्ञान। एक विशेष मत के अनुसार कहा जाता है कि दर्शन हो नहीं सकते, कौन किसके दर्शन करे, वह तो अपने ही स्वरूप के दर्शन करता है। काले पानी में जहाज जब चला जाता है तब लौट नहीं सकता, लौट कर खबर नहीं दे सकता। मणि, जैसा आप कहते हैं, मॉन्यूमेंट के ऊपर चढ़ जाने पर फिर नीचे की खबर नहीं रहती कि गाड़ी घोड़े मैम साहेब घर द्वार दुकान ऑफिस कहाँ है। श्री राम कृष्ण, अच्छा आजकल काली मंदिर में नहीं जाया कर मैं नहीं जाया करता, कुछ अपराध तो न होगा। नरेंद्र कहता था ये अब भी काली मंदिर जाया करते हैं। मणि जी, आपकी नई नई अवस्थाएं हुआ करती हैं, आपका भला अपराध क्या है। श्री राम कृष्ण, अच्छा हृदय के लिए उन लोगों ने सेन से कहा था, हृदय बहुत बीमार है, उसके लिए आप दो धोतियां और दो कमीज लेते आइएगा, हम लोग उसके गांव में भेज देंगे। सेन बस 2 ही रुपये लाया, यह भला क्या है, इतना धन है और यह दान कहो जी। नहीं जी, मेरी समझ में तो यह आता है कि जिसे ईश्वर की जिज्ञासा है, ज्ञान लाभ जिसका उद्देश्य है, वह कभी ऐसा नहीं कर सकता। श्री राम कृष्ण, ईश्वर ही वस्तु है और सब अवस्तु। परिच्छेद 53। अधर के मकान पर ईशान आदि भक्तों के संग में। भाग 1। बालक का विश्वास, अछूत जाति और शंकराचार्य। साधु का हृदय। श्री राम कृष्ण ने कलकत्ते में अधर के मकान पर शुभागमन किया है। आप इधर के बैठक घर में बैठे हैं। दिन के 3रे पहर का समय है। राखाल, अधर, मास्टर, ईशान आदि तथा अनेक पड़ोसी भी उपस्थित हैं। श्री ईशान चंद्र मुखोपाध्याय को श्री राम कृष्ण प्यार करते थे। वे अकाउंटेंट जनरल के ऑफिस में सुपरिंटेंडेंट थे। पेंशन लेने के बाद वे दान ध्यान धर्म कर्म करते रहते थे और बीच बीच में श्री राम कृष्ण का दर्शन करते थे। मछुआ बाजार स्ट्रीट में उनके मकान पर श्री राम कृष्ण ने एक दिन आकर नरेंद्र आदि भक्तों के साथ भोजन किया था और लगभग पूरे दिन रहे थे। उस उपलक्ष्य में ईशान ने अनेक लोगों को भी आमंत्रित किया था। श्री नरेंद्र आने वाले थे परंतु आ नहीं सके। ईशान पेंशन लेने के बाद श्री रामकृष्ण के पास दक्षिणेश्वर में सर्वदा जाया करते हैं और भाटपाड़ा में गंगा तट पर निर्जन में बीच बीच में ईश्वर चिंतन करते हैं। इस समय उनके मन में भाटपाड़ा में गायत्री का पुरस्मरण करने की इच्छा थी। आज शनिवार 22 सितंबर 1883 है। श्री राम कृष्ण ईशान के प्रति अपनी वह कहानी कहो तो बालक ने पत्थर भेजा था।
ईशान हंसकर, एक बालक ने सुना कि ईश्वर ने हमें पैदा किया है, इसलिए उसने अपनी प्रार्थना जताने के लिए ईश्वर के नाम पर एक पत्थर लिखकर लेटर बॉक्स में डाल दिया। पता लिखा था स्वर्ग। सभी हंसे। श्री राम कृष्ण हंसते हुए देखा, इसी बालक की तरह विश्वास चाहिए, तब होता है ईश्वर के प्रति। और वह कर्म त्याग की कहानी सुनाओ तो। ईशान, भगवान की प्राप्ति होने पर संध्या आदि कर्मों का त्याग हो जाता है। गंगा के तट पर सभी संध्योपासना कर रहे हैं, एक व्यक्ति नहीं कर रहा है। उससे पूछने पर उसने कहा, मुझे असोच हुआ है संध्योपासना करने की मनाही है, मृत्या शौच तथा जन्मा शौच दोनों ही हुए हैं, अविद्या रूपी माता की मृत्यु हुई है और आत्मा राम का जन्म हुआ है। श्री राम कृष्ण, अच्छा वह कहानी सुनाना जिसमें कहा है कि आत्मज्ञान होने पर जाति भेद नहीं रह जाता। ईशान, वाराणसी में गंगा स्नान करके शंकराचार्य घाट की सीढ़ी पर चढ़ रहे थे। उस समय कुत्ते पालने वाले एक चांडाल को सामने बिल्कुल पास ही देखकर बोले, यह क्या, तूने मुझे छोड़ लिया? चांडाल बोले, महाराज तुमने भी मुझे नहीं छुआ और मैंने भी तुम्हें नहीं छुआ। आत्मा सभी के अंतर्यामी और निर्लिप्त है। श्राम में पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिंब और गंगा जल में पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिंब, क्या इन दोनों में भेद है? श्री राम कृष्ण हंसकर, और वह समन्वय की कथा कैसी है? सभी मतों से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। ईशान हंसकर, हरि और हर में एक ही धातु है, हरि है, केवल प्रत्यय का भेद है। जो हरि है वही हर है। विश्वास भर रहना चाहिए। श्री राम कृष्ण हंसकर, अच्छा वह कहानी, साधु का हृदय सबसे बड़ा है। ईशान हंसकर, सबसे बड़ी है पृथ्वी, उससे बड़ा है समुद्र, उससे बड़ा है आकाश, परंतु भगवान विष्णु ने एक पैर से स्वर्ग, मृत्यु पाताल त्रिभुवन पर अधिकार कर लिया था, पर उस विष्णु का पद साधु के हृदय में है, इसलिए साधु का हृदय सबसे बड़ा है। इन सब बातों को सुनकर भक्तगण आनंदित हो रहे हैं। The kingdom of heaven is revealed unto babes, but is hidden from the wise and the prudent. Bible. Mirtha Mohamai Mata Jato Bodh Me Sutah Sut Kadve Sampranto Katham Sandhya Mupas Mahe Hirda Kase Chidati Sada Bhashati Bhasti Na नास्तमेति ने चीदेति कथम संध्या मुपासमहे। ये मैत्रेय उपनिषद से है। भाग दो, आद्याशक्ति की उपासना से ही ब्रह्म की उपासना होती है। ब्रह्म और शक्ति अभिन्न हैं। ईशान भाटपाड़ा में गायत्री का पुरस्चरण करेंगे। गायत्री ब्रह्म मंत्र है। विषय बुद्धि बिल्कुल लुप्त हुए बिना ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, परंतु कलयुग में अनगत प्राण है, विषय बुद्धि छूटती नहीं। रूप रस गंध शब्द स्पर्श मन सदा इन्हीं विषयों को लेकर रहता है। इसलिए श्री राम कृष्ण कहते हैं, कली में वेद का मत नहीं चलता, जो ब्रह्म है वे ही शक्ति हैं। शक्ति की उपासना करने से ही ब्रह्म की उपासना होती है।
जिस समय वे सृष्टि स्थिति प्रलय करते हैं उस समय उन्हें शक्ति कहते हैं, तो अलग अलग नहीं एक ही है। श्री राम कृष्ण ईशान के प्रति क्यों नेति नेति करके भटक रहे हो? ब्रह्म के संबंध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, केवल कहा जा सकता है अस्ति मात्रम केवल राम है। हम जो कुछ देख रहे हैं, सोच रहे हैं, सभी उस आद्या शक्ति का, उस चित्त शक्ति का ऐश्वर्य है। सर्जन, पालन, संहार, जीव जगत, फिर ध्यान, ध्याता, भक्ति, प्रेम, सब उनका ऐश्वर्य है। परंतु ब्रह्म और शक्ति अभिन्न है। लंका से लौटने के बाद हनुमान ने राम की स्तुति की थी, कहा था, हे राम, तुम पर ब्रह्म हो और सीता तुम्हारी शक्ति है, परंतु तुम दोनों अभिन्न हो। जिस प्रकार सर्प और उसकी टेढ़ी गति सांप जैसी गति को सोचना हो तो सांप को सोचना होगा, और सांप को सोचने पर सांप की गति को भी सोचना पड़ता है। दूध का विचार करने पर दूध के रंग का, धवल तव का विचार करना पड़ता है, और दूध की तरह सफेद अर्थात धवल तव को सोचने पर दूध का स्मरण लाना पड़ता है। जल की शीतलता का चिंतन करते ही जल का स्मरण आता है, और फिर जल के चिंतन के साथ ही जल की शीतलता का भी चिंतन करना पड़ता है। इस आद्या शक्ति या महामाया ने ब्रह्म को आवृत कर रखा है। आवरण हट जाते ही मैं जो था वही बन गया, मैं ही तुम ही मैं हूँ। जब तक आवरण है तब तक वेदांतवादी की ही सोहम अर्थात मैं ही पर ब्रह्म हूँ यह बात नहीं चलती। जल की ही तरंग है, तरंग का जल नहीं कहलाता। जब तक आवरण है तब तक मामा कहकर पुकारना अच्छा है। तुम माँ हो, मैं तुम्हारी संतान हूँ, तुम प्रभु हो, मैं तुम्हारा दास हूँ, सेवे सेवक भाव अच्छा है। इसी दास भाव से फिर सभी भाव आते हैं, शांत, सख्य आदि। मालिक यदि नौकर से प्यार करता है तो उसे बुलाकर कहता है, आ मेरे पास बैठ, तुम जो है मैं भी वही हूँ। परंतु नौकर यदि अपनी इच्छा से मालिक के पास बैठने जाए तो क्या मालिक नाराज नहीं होंगे? आद्या शक्ति तथा अवतार लीला, वेद पुराण एवं तंत्रों का समन्वय, अवतार लीला, ये सब चित शक्ति के ऐश्वर्य हैं। जो ब्रह्म है वे ही फिर राम कृष्ण तथा शिव हैं। ईशान, हरि और हर एक ही धातु है, केवल प्रत्यय का भेद है, सभी हंस पड़े। श्री राम कृष्ण, हाँ, एक के अतिरिक्त दो कुछ भी नहीं है। वेद में कहा है ओम सच्चिदानंदम ब्रह्म, पुराण में कहा है ओम सच्चिदानंद कृष्ण, और तंत्र में कहा है ओम सच्चिदानंद शिव। उस चित शक्ति ने महामाया के रूप में सभी को अज्ञानी बना रखा है। अध्यात्म रामायण में है, राम के दर्शन जितने ऋषियों ने किए वे सभी एक बात कहते थे, हे राम, हमें अपनी भुवन मोहिनी माया द्वारा मुग्ध न करो। ईशान, यह माया क्या है? श्री राम कृष्ण, जो कुछ देखते हो, सुनते हो, सोचते हो, सभी माया है। एक बात में कहना हो तो कामिनी कांचन ही माया का आवरण है। पान खाना, तमाकू पीना, तेल मालिश करना,
इनमें दोष नहीं है, केवल इन्हीं का त्याग करने से क्या होगा, कामिनी कांचन के त्याग की आवश्यकता है, वही त्याग है। गृहस्थ लोग बीच बीच में निर्जन स्थान में जाकर साधन भजन कर भक्ति प्राप्त करके मन से त्याग करें। सन्यासी बाहर भीतर दोनों ओर से त्याग करें। केशव सेन से मैंने कहा था, जिस कमरे में जल का घड़ा और इमली का अचार है, उसी कमरे में यदि सन्निपात का रोगी रहे तो भला वह कैसे अच्छा हो सकता है। बीच बीच में निर्जन स्थान में जाना ही चाहिए। एक भक्त महाराज, नवविधान ब्रह्म समास किस प्रकार है, मानो खिचड़ी जैसा। श्री राम कृष्ण, कोई कोई कहते हैं आधुनिक, मैं सोचता हूँ क्या ब्रह्म समाज वालों का ईश्वर दूसरा है। कहते हैं नव विधान नया विधान सो होगा, जिस प्रकार छह दर्शन है षड दर्शन, उसी प्रकार एक और कुछ होगा। परंतु निराकारवादियों की भूल क्या है जानते हो? भूल यह है कि वे कहते हैं ईश्वर निराकार है और बाकी सारे मत गलत हैं। मैं जानता हूँ वे साकार निराकार दोनों ही हैं, और भी कितने प्रकार के बन सकते हैं, वे सब कुछ बन सकते हैं। ईशान के प्रति वही चित्त शक्ति, वही महामाया 24 तत्व बनी हुई है। मैं ध्यान कर रहा था, ध्यान करते करते मन चला गया रस के घर में, रस के मित्र हैं। मन से कहा, अरे रह, वहीं पर रह। माँ ने दिखा दिया उसके घर में जो लोग घूम रहे हैं, वे बाहर का आवरण मात्र हैं, भीतर वही है। एक कुल कुंडलिनी एक षट चक्र है, वह आद्या शक्ति स्त्री है या पुरुष, मैंने उस देश में देखा। लाहों के घर पर काली पूजा हो रही है, माँ के गले में जनेऊ दिया है। एक व्यक्ति ने पूछा, माँ को जनेऊ क्यों है? जिसके घर में पूजा है उसने कहा, भाई तूने माँ को ठीक पहचाना है, परंतु मैं तो कुछ भी नहीं जानता कि माँ पुरुष है या स्त्री। इस प्रकार कहा जाता है कि महामाया शिव को निगल गई। माँ के भीतर षट चक्कर का ज्ञान होने पर शिव माँ की जांग में से निकल आए। फिर शिव ने तंत्रों की रचना की। उस चित्त शक्ति के इस महामाया के शरणागत होना चाहिए। ईशान आप कृपा कीजिए, डुबकी लगाओ, गुरु का प्रयोजन शास्त्राध्ययन। श्री राम कृष्ण, सरल भाव से कहो, हे ईश्वर दर्शन दो, और रो और कहो, हे ईश्वर कामनी कांचन से मन को हटा दो, और डुबकी लगाओ, ऊपर ऊपर बहने से या तैरने से क्या रतन मिलता है, डुबकी लगानी पड़ती है। गुरु से पता लेना चाहिए। एक व्यक्ति बाणलिंग शिव की खोज कर रहा था, किसी ने कह दिया अमुक नदी के किनारे जाओ, वहां पर एक वृक्ष देखोगे, उस वृक्ष के पास एक भंवर है, वहां पर डुबकी लगानी होगी, तब बाणलिंग शिव मिलेगा। इसीलिए गुरु से पता जान लेना चाहिए। ईशान जी हाँ, श्री राम कृष्ण, सच्चिदानंद ही गुरु के रूप में आते हैं। मनुष्य गुरु से यदि कोई दीक्षा लेता है तो उन्हें मनुष्य मानने से कुछ नहीं होगा, उन्हें साक्षात ईश्वर मानना होगा, तभी मंत्र पर विश्वास होगा। विश्वास हुआ कि सब कुछ हो गया। शूद्र एक लव्य ने मिट्टी के द्रोणाचार्य बनाकर वन में बाण चलाना सीखा था। मिट्टी के द्रोण की
पूजा करता था, साक्षात द्रोणाचार्य मानकर इस तरह वह धनुर्विद्या में सिद्ध हो गया। और तुम ब्राह्मण पंडितों को लेकर अधिक झमेला ना किया करो, उन्हें चिंता है दो पैसे पाने की। मैंने देखा है ब्राह्मण सब सत्यन करने आया है, चंडी पाठ या और कुछ पाठ कर रहा है, पर आधे पन्ने वैसे ही उलटता जा रहा है। सभी हंस पड़े। अपनी हत्या एक छोटी नहरनी से भी हो सकती है, दूसरों को मारने के लिए ढाल तलवार चाहिए, शास्त्र ग्रंथ आदि का यही हेतु है। बहुत से शास्त्रों की भी कोई आवश्यकता नहीं है। यदि विवेक न हो तो केवल पंडित से कुछ नहीं होता, षट शास्त्र पढ़कर भी कुछ नहीं होता। निर्जन में एकांत में गुप्त रूप से जो रो रो कर उन्हें पुकारो, वे ही सब कुछ कर देंगे। श्री राम कृष्ण ने सुना है ईशान भाटपाड़ा में पुरुष चरण करने के लिए गंगा के तट पर कुटिया बना रहे हैं। श्री राम कृष्ण विग्र भाव से ईशान के प्रति, क्यों जी क्या कुटिया बन गई, जानते हो ये सब काम लोगों से जितने छिपे रहें उतना ही अच्छा है। जो लोग सतोगुणी हैं वे ध्यान करते हैं मन में, कोने में, वन में, कभी तो मच्छरदानी के भीतर ही बैठे ध्यान करते हैं। हाजरा महाशय को ईशान बीच बीच में भाट पाड़ा ले जाते हैं। हाजरा महाशय छूत धर्मी की तरह आचरण करते हैं। श्री राम कृष्ण ने उन्हें वैसा करने से मना किया था। श्री राम कृष्ण ईशान के प्रति और देखो अधिक छूत धर्म का आचरण मत करो। एक साधु को बड़ी प्यास लगी थी, भिस्ती जल लेकर जा रहा था। उसने साधु को जल देना चाहा, साधु ने कहा क्या तुम्हारी मशक साफ है। भिस्ती बोला महाराज मेरी मशक खूब साफ है, परंतु आपकी मशक के भीतर मल मूत्र आदि अनेक प्रकार के मैले, इसलिए कहता हूँ मेरी मशक से जल पीजिए, इससे दोष न लगेगा। आपकी मशक अर्थात आपकी देह, आपका पेट और उनके नाम पर विश्वास रखो तो फिर तीर्थ आदि की भी आवश्यकता नहीं होगी। यह कहकर श्री राम कृष्ण भाव में विभोर होकर गाना गा रहे हैं। भावार्थ, यदि काली काली कहते हुए मेरे शरीर का अंत हो गया, गंगा, प्रभास, काशी, कांची आदि कौन चाहता है। जो तीनों में काली का नाम लेता है वह क्या पूजा संध्या चाहता है। संध्या स्वयं उसकी खोज में रहकर भी पता नहीं पाती। काली नाम के कितने गुण हैं कि कौन उसका पार पा सकता है। उन गुणों को देवाधिदेव महादेव पंच मुखों से गाते हैं, दया वर्त दान आदि, और किसी भी मन नहीं जाता। मदन का यज्ञयाग ब्रह्ममयी के पाद पद्य में है। ईशान सब सुनकर चुप होकर बैठे हैं। बालक के समान विश्वास, जनक के समान पहले साधन फिर संसार में ईश्वर लाभ। श्री राम कृष्ण ईशान के प्रति और भी संदेह हो तो पूछ लो। ईशान जी आपने जो कहा है विश्वास। श्री राम कृष्ण हाँ ठीक, विश्वास के द्वारा ही उन्हें प्राप्त किया जा सकता है, और पूरा विश्वास करने पर और भी शीघ्र प्रगति होती है। गौ यदि चुन चुन कर खाती है तो दूध कम देती है। सभी प्रकार के घास पत्ते खाने पर वह अधिक दूध देती है। राज कृष्ण बनर्जी के लड़के ने एक कहानी सुनाई थी कि एक व्यक्ति को आदेश हुआ कि इस पेड़
इस भीड़ में ही तुम अपना ईश देखना। उसने इसी पर विश्वास किया। सर्वभूतों में वे ही विराजमान हैं। गुरु ने भक्त से कह दिया कि राम ही घट घट में विराजमान हैं। भक्त का उसी में विश्वास हो गया। जब देखा एक कुत्ता मुंह में रोटी लेकर भाग रहा है तो भक्त घी का पात्र हाथ में लेकर पीछे पीछे दौड़ता और कहता है, राम थोड़ा ठहरो, रोटी में घी तो लगा दूं। आहा, कृष्ण किशोर का क्या ही विश्वास था। कहा करता था, ओम कृष्ण ओम राम। इस मंत्र का उच्चारण करने पर करोड़ों संध्या वंदन का फल होता है। फिर मुझे कृष्ण किशोर कान में कहा करता था, कहना नहीं किसी से, मुझे संध्या पूजा अच्छा नहीं लगती। मुझे भी वैसा ही होता है। माँ दिखा देती है कि वे ही सब कुछ बनी हुई हैं। शौच के बाद मैदान से आ रहा था पंचवटी की ओर, देखा साथ साथ एक कुत्ता आ रहा है। तब पंचवटी के पास आकर थोड़ी देर खड़ा रहा, सोचा शायद माँ इसके द्वारा कुछ कहलाए। इसलिए जैसा तुमने कहा, विश्वास से ही सब कुछ मिलता है ईशान, परंतु हम तो गृहस्थ आश्रम में हैं। श्री राम कृष्ण क्या हानि, उनकी कृपा होने पर असंभव भी संभव हो जाता है। राम प्रसाद ने गाना गाया था, यह संसार धोखे की टट्टी है। उसका उत्तर किसी दूसरे ने एक दूसरे गाने में दिया था, भावार्थ, यह संसार आनंद की कुटिया है, मैं खाता पीता और आनंद करता हूँ। जनक राजा बड़े तेजस्वी थे, उन्हें किसी बात की कमी थी। वे तो दोनों ओर संभाले रखकर आनंद से दूध पीते थे, परंतु पहले निर्जन में गुप्त रूप से साधन भजन करके ईश्वर को प्राप्त करने के बाद संसार में रहने से मनुष्य राजा जनक बन सकता है, नहीं तो कैसे होगा। देखो ने, कार्तिक गणेश लक्ष्मी सरस्वती सभी विद्यमान हैं, परंतु शिव कभी समाधिस्थ तो कभी राम राम कहते हुए नृत्य कर रहे हैं। परिच्छेद 54। दक्षिणेश्वर में राम आदि भक्तों के साथ। श्री राम कृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर में भक्तों के साथ बैठे हैं। राखाल मास्टर राम हाजरा आदि भक्तगण उपस्थित हैं। हाजरा महाशय बाहर के बरामदे में बैठे हैं। आज रविवार 23 सितंबर 1883 भाद्रपदी कृष्ण सप्तमी है। नित्य गोपाल तारक आदि भक्तगण राम के घर पर रहते हैं। उन्होंने उन्हें आदर सत्कार के साथ रखा है। राखाल बीच बीच में अदर सेन के मकान पर जाया करते हैं। नित्य गोपाल सदा ही भाव विभोर रहते हैं। तारक की भी स्थिति अंतर्मुखी है। आजकल वे लोगों से विशेष वार्तालाप नहीं करते। श्री राम कृष्ण अब नरेंद्र की बातें कह रहे हैं। श्री राम कृष्ण एक भक्त के प्रति, आजकल नरेंद्र तुम्हें भी लाइक पसंद नहीं करता। मास्टर के प्रति, अधर के घर पर नरेंद्र नहीं आया। एक साथ ही नरेंद्र में कितने गुण हैं, गाने बजाने में लिखने पढ़ने में सभी में प्रवीण है। उस दिन यहाँ से कप्तान की गाड़ी से जा रहा था। गाड़ी में कप्तान भी बैठे थे। उन्होंने उससे अपने पास बैठने के लिए कितना कहा, पर नरेंद्र अलग ही जाकर बैठा। कप्तान की ओर ताक कर भी देखा तक नहीं। केवल पंडित से क्या होगा, साधन भजन चाहिए। इंदेश का गौरी पंडित विद्वान था और साधक भी, शक्ति साधक।
माँ के भाव में कभी कभी पागल हो जाता था। बीच बीच में कह उठता था, हा रे 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 निरा लंबो लंबोदर जननी कम यामी शरणम। उसमें सब पंडित निष्प्रभ हो जाते थे, मैं भी भावाविष्ट हो जाता था। मेरा भोजन देखकर पूछता, तुमने भैरवी लेकर साधना की है? एक कर्ता भजा संप्रदाय के पंडित ने निराकार की व्याख्या करते हुए कहा, निराकार अर्थात नीर का आकार। यह व्याख्या सुनकर गौरी बहुत क्रुद्ध हुआ। पहले पहल कट्टर शाक्त था, तुलसी का पत्ता दो लकड़ियों के सहारे उठाता था, छूता न था, सभी हिंसे। इसके बाद घर गया, घर से लौट आने के पश्चात फिर वैसा नहीं करता था। मैंने काली मंदिर के सामने एक तुलसी का पौधा लगाया था, पर कुछ समय में वह सूख गया। कहते हैं जहाँ पर बकरों की बलि होती है वहाँ पर तुलसी नहीं रहती। गौरी सभी बातों की सुंदर व्याख्या करता था। रावण के 10 सिरों के बारे में कहता था, 10 इंद्रियां, तमोगुण को कुंभकर्ण, रजोगुण को रावण और सत्वगुण को विभीषण कहता था। इसीलिए विभीषण ने राम को प्राप्त किया था। श्री राम कृष्ण मध्यान्ह के भोजन के थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं। कलकत्ते से राम, तारक, शिवानंद आदि भक्तगण आकर उपस्थित हुए। श्री राम कृष्ण को प्रणाम कर वे जमीन पर बैठ गए। मास्टर भी जमीन पर बैठे। राम कह रहे हैं, हम लोग मृदंग बजाना सीख रहे हैं। श्री राम कृष्ण राम के प्रति, नित्य गोपाल ने भी कुछ सीखा है? राम जी नहीं, वह कुछ ऐसा ही मामूली बजा सकता है। श्री राम कृष्ण और तारक, राम वह अच्छा बजा सकेगा, श्री राम कृष्ण तो फिर वह मुंह उतना नीचा किए न रहेगा। किसी दूसरी ओर मन अधिक लगा देने पर फिर ईश्वर पर उतना नहीं रह जाता। राम, मैं समझता हूँ, मैं जो सीख रहा हूँ वह केवल संकीर्तन के लिए है। श्री राम कृष्ण मास्टर के प्रति, सुना है तुमने गाना सीखा है? मास्टर हंसकर, जी नहीं, यूं ही ऊं आ करता हूँ। श्री राम कृष्ण, तुम वह गाना जानते हो? जानते हो, जानते हो तो गाओ ना। और काज नाई ज्ञान विचारे देमा पागल करे, देखो यही मेरा असली भाव है। हाजरा को उपदेश घृणा व निंदा छोड़ दो। हाजरा महाशय कभी कभी किसी के संबंध में घृणा प्रकट करते थे। श्री राम कृष्ण राम आदि भक्तों के प्रति, कामारपुकुर में किसी मकान पर मैं अक्सर जाया करता था। उस घर के लड़के मेरी ही बराबरी के थे। वे लड़के उस दिन यहाँ आए थे और 2-3 दिन रहे भी। हाजरा की तरह उनकी माँ सबसे घृणा करती थी। अंत में उसके पैर में न जाने क्या हो गया, पैर सड़ने लगा। कमरे में इतनी दुर्गंध हुई कि लोग अंदर तक नहीं जा सकते थे। इसीलिए मैंने हाजरा से यह बात कही और उसे चेतावनी दे दी कि किसी की निंदा न करो। दिन के 4 बजे का समय हुआ। श्री राम कृष्ण मुंह हाथ धोने के लिए झाऊ तल्ले की ओर गए। उनके कमरे के दक्षिण पूर्व वाले बरामदे में द्री बिछाई गई। श्री राम कृष्ण झाऊ तल्ले से लौटकर उस पर बैठे। राम आदि उपस्थित हैं, अदर्शन जाति के सुनार हैं। उनके घर राखाल ने अन्न ग्रहण कर लिया, इसलिए राम बाबू ने कुछ कहा है, अधर परम भक्त ही यही बातें हो रही हैं। एक भक्त हंसी हंसी में सुनारों में से किसी के सिके स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण हंस रहे हैं, स्वयं कोई राय प्रकट नहीं कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण की कर्म त्याग की स्थिति, जगन माता के साथ वार्तालाप। सायंकाल हुआ, आंगन में
उत्तर पश्चिम के कोने में श्री राम कृष्ण खड़े हैं, वे समाधिस्थ हैं। काफी देर बाद उनका मन बाह्य जगत में लौटा। श्री राम कृष्ण की कैसी अद्भुत स्थिति है, आजकल प्राय समाधि मगन रहते हैं, थोड़े ही उद्दीपन से बाह्य ज्ञान शून्य हो जाते हैं। जब भक्तगण आते हैं तब थोड़ा वार्तालाप करते हैं, अन्यथा सदा ही अंतर्मुख रहते हैं। अब पूजा जप आदि नहीं कर सकते। समाधि भंग होने के बाद खड़े खड़े ही जगन माता के साथ बातचीत कर रहे हैं। कह रहे हैं, माँ पूजा गई जब गया, देखना माँ कहीं जड़ना बना डालना। सेवा सेवक भाव में रखना माँ, जिसे बात कर सकूं, तुम्हारा नाम गुण संकीर्तन और गान कर सकूं, और शरीर में थोड़ा बल दो माँ, जिसे थोड़ा चल फिर सकूं। जहाँ पर तुम्हारी कथा होती हो, जहाँ पर तुम्हारे भक्तगण हो, उन सब स्थानों में जा सकूं। श्री राम कृष्ण आज प्रातःकाल काली मंदिर में जाकर जगन माता के श्री चरण कमलों पर पुष्पांजलि अर्पण की है। वे फिर जगन माता के साथ बातचीत कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण कह रहे हैं, माँ आज सवेरे चरणों में दो फूल चढ़ाए, सोचा अच्छा हुआ फिर बाह्य पूजा की और मन जा रहा है, पर माँ फिर ऐसा क्यों हुआ, फिर जड़ की तरह क्यों बना डाल रही हो। भाद्रपद कृष्णा सप्तमी, अभी तक चंद्रमा का उदय नहीं हुआ, रात्रि तमसा छन्न है। श्री राम कृष्ण अभी भावाविष्ट हैं। इसी स्थिति में अपने कमरे के छोटे तख्त पर बैठे फिर जगन माता के साथ बात कर रहे हैं। अब संभवतः भक्तों के संबंध में माँ से कुछ कह रहे हैं, ईशान मुखोपाध्याय की बात कह रहे हैं। ईशान ने कहा था, मैं भाटपाड़ा में जाकर गायत्री का पुरस्चरण करूंगा। श्री राम कृष्ण ने उनसे कहा था कि कलयुग में वेद मत नहीं चलता, जीव अनगत प्राण है, आयु कम है, देह बुद्धि विषय बुद्धि संपूर्ण नष्ट नहीं होती, इसीलिए ईशान को मातृभाव से तंत्र मत के अनुसार साधना करने का उपदेश दिया था और ईशान से कहा था, जो ब्रह्म है वही माँ वही आदा शक्ति है। श्री राम कृष्ण भावविष्ट होकर कह रहे हैं, फिर गायत्री का पुरस्चरण, इस छत पर से उस छत पर कूदना, किसने उससे ऐसी बात कही है, अपने ही मन से कह रहा है, अच्छा थोड़ा पुरस्चरण करेगा। मास्टर के प्रति, अच्छा मुझे यह सब क्या वायु के विकार से होता है अथवा भाव से। मास्टर विस्मित होकर देख रहे हैं कि श्री राम कृष्ण जगन माता के साथ इस प्रकार बातचीत कर रहे हैं। वे विस्मित होकर देख रहे हैं, ईश्वर हमारे अति निकट बाहर तथा भीतर है, अत्यंत निकट हुए बिना श्री राम कृष्ण धीरे धीरे उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। यहीं पर मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। अगला वीडियो संख्या 21 हम शुरू करेंगे, परिच्छेद 55, मास्टर के प्रति उपदेश भाग 1, पंडित और साधु में अंतर, कलयुग में नारदीय भक्ति। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मेरे दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार।